वेलकम फ्रेंड्स। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइन टूल है जिसमें सोशल मीडिया, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग रिलेटेड जो इमेजेस ग्राफिक डिजाइन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में पोस्ट, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, यूट्यूब में यूट्यूब थंबनेल, चैनल आर्ट वगैरह हम कैनवा में इजीली, प्रोफेशनली और ब्यूटीफुली ग्राफिक डिजाइन इमेजेस कर सकते हैं। फिर जैसे कि बिजनेस रिलेटेड लोगो बनाना है, इनवॉइस बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, रिज्यूम बनाना है वगैरह, बहुत सारी फैसिलिटी कैनवा में है। कैनवा में काम करना भी बहुत ही इजी है, आप चंद मिनट में ही डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा माहिती हम कैनवा में देखते हैं। जैसे कि कैनवा एक फ्री टूल है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये इमेजेस तैयार कर सकते हैं। कैनवा में काम करने के लिए जैसे कि आप canva.com लिखे तो canva.com तो कैनवा ऐसे खुल जाएगा। सॉरी, मेरा जैसे कि लॉगिन है ही तो मैं जस्ट आपको ऐसे बताता हूं, इनकॉग्निटो मोड में बताता हूं। तो जैसे कि आप शुरू करते हैं तो ऐसे आपको फर्स्ट टाइम आप कैनवा यूज कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे कि यहां ये साइन अप है, ये लॉगिन है, अगर अकाउंट है तो लॉगिन। आप फर्स्ट टाइम कैनवा में काम कर रहे हैं तो यहां ये जो साइन अप है उस पर आप क्लिक करें और साइन अप विथ ईमेल करके आप नया अकाउंट बना लें। गूगल से भी आप अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप विथ फेसबुक से भी बना सकते हैं, पर आप जैसे कि साइन अप विथ ईमेल लो और अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखो और गेट स्टार्टेड से आप अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट जैसे कि आपका है तो लॉग इन कीजिए। जैसे कि मेरा अकाउंट है ही तो इसके लिए मैं कैनवा में लॉग इन। जैसे कि कैनवा स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में ही आप ऊपर देखें, जैसे कि ये होम टैब जो है बाजू में टेम्पलेट है, टेम्पलेट में ही आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि सोशल मीडिया रिलेटेड इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट, फेसबुक पोस्ट वगैरह जो रेडीमेड टेम्पलेट्स, और उस टेम्पलेट्स में बहुत सारी डिजाइन वगैरह रेडीमेड पहले से ही प्रीपेड है, तो आप बहुत ही क्विक जल्दी से आप ये पोस्ट, इमेजेस वगैरह क्रिएट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल में भी आप इनविटेशन, आप कोई ओकेशन घर में है, मैरिज वगैरह, बर्थडे वगैरह, तो आप किसी को इनविटेशन देना चाहते हैं तो वो कार्ड वगैरह इनविटेशन से बनेगा, कार्ड है, रिज्यूम बना सकते हो। जैसे कि बिजनेस में आप जैसे कि प्रेजेंटेशन बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, बिजनेस कार्ड मतलब कि विजिटिंग कार्ड आपका बना सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो, तो ऐसे पोस्टर, मार्केटिंग में पोस्टर है, ब्रोशर है, आप जैसे कैटलॉग जो बनाते हैं तो इसमें आप बहुत ही क्विक जल्दी बना सकते हो। और ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है, और टेम्पलेट्स में फायदा ये है जैसे कि ये फेसबुक पोस्ट अगर ले तो फेसबुक पोस्ट की जो ओरिजिनल जो साइज होनी चाहिए वो साइज के साथ ये पोस्ट बनी हुई होती है इमेज, तो आपको साइज देने की जरूरत नहीं है। तो एक जैसे कि ये एक मेथड है कि आप डायरेक्ट यहां से करें, या जैसे कि आप यहां भी आप लिख सकते हैं, यहां भी आप जैसे कि फेसबुक आपको कोई पोस्ट बनानी है तो यहां भी आप लिखेंगे तो जैसे कि यहां आ जाएगा, फेसबुक एड बनानी है, एड की कॉपी बन जाएगी, कवर फोटो बनाना है तो ऐसे आ जाएगा। डिटेल में हम बाद में देखते हैं, पर जैसे कि एक सेकंड मेथड भी है कि जैसे कि आप जो आपकी साइज है, आप जिस साइज से इमेज क्रिएट कर तैयार करना चाहते हैं वो जैसे कि आपको कस्टम साइज है आपकी, तो आप ये कस्टम डायमेंशन यहां नीचे है, ये कस्टम डायमेंशन, आप कस्टम डायमेंशन पे क्लिक करें और जो आपकी जो इमेज है, ग्राफिक है, उसकी जो विड्थ और जो हाइट है वो यहां लिखे,
जैसे कि बाजू में यहाँ पिक्सल में आप इंच वगैरह भी ले सकते हैं, एमएम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। जनरली ग्राफिक्स में पिक्सल ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मुझे 500 बाय 500 की कोई पोस्ट बनानी है, इमेज बनानी है, तो मैं यहाँ विड्थ में 500, हाइट में 500 लिखूंगा, यहाँ पिक्सल और क्रिएट न्यू डिजाइन, तो नया डिजाइन बन जाएगा। तो आप कस्टम डिजाइन भी यहाँ से बना सकते हैं कस्टम डायमेंशन देके। और जैसे कि यहाँ आप नीचे ही देखेंगे तो जैसे कि ये सब मेरी डिजाइन है, ये सब लगभग मैं अमुक सारे जो वर्क है वो मैं कैनवा में ही करता हूँ। जैसे कि ये मेरी डिजाइन है, ये जैसे कि मैंने पोस्ट वगैरह इसमें बनाई हुई है, लोगो वगैरह बनाता हूँ। तो जैसे कि ये और भी है, जैसे कि डिटेल में अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ है, आपको लोगो बनाना है तो यहाँ है, पोस्टर है, फेसबुक पोस्ट। जैसे कि आपको कोई पोस्ट बनानी है तो आप यहाँ क्लिक करके आपको जो भी टेम्पलेट पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स में जैसे कि फेसबुक पोस्ट, जैसे कि यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फेसबुक पोस्ट, तो मुझे वेरियस जो फेसबुक के टेम्पलेट, जो प्रीपेड टेम्पलेट है पोस्ट के लिए, वो यहाँ आ जाते हैं। आपको इसमें से आप देखते होंगे फेसबुक में जैसे कि बहुत ही लोग अट्रैक्टिव पोस्ट बना के रखते हैं, ऐसी ऐसी डिजाइन होती है, आप देख रहे हैं ये ऐसी डिजाइन होती है। सिर्फ यहाँ जैसे कि आपको सिर्फ नाम वगैरह चेंज करना है तो आपकी डिजाइन तैयार हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ से ये एक टेम्पलेट है, ये मैं टेम्पलेट लेता हूँ कि ये टेम्पलेट के हिसाब से मुझे एक पोस्ट बनानी है, तो यहाँ आप ये जो है यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ जैसे कि ये टेम्पलेट में क्या क्या है सब, यहाँ जैसे कि फोटो ये है क्या है वगैरह यहाँ दिखा देता है। जैसे कि ये डिजाइन मुझे चाहिए और यही मुझे पोस्ट बनानी है, तो यहाँ यूज दिस टेम्पलेट इस पे क्लिक करें। ये इसकी साइज क्या है वो भी यहाँ ऊपर बता देगा। जैसे कि मैं यूज दिस टेम्पलेट ले लेता हूं, तो एक नए टैब में ये डिजाइन खुल जाती है, एक नए टैब में डिजाइन खुल जाती है। जैसे कि ये डिजाइन जो पोस्ट है, इमेज है, फोटो है, वो यहाँ खुली है। जैसे कि ये टेम्पलेट ही ऐसा है कि जिसमें अलग अलग तरह की 5 डिजाइन है, आपको जो भी लेना हो ले सकते हो। जैसे कि ये, चलो ये डिजाइन मुझे बनानी है, एक पोस्ट बनानी है मुझे फेसबुक में पोस्ट करनी है, जैसे कि ये मुझे बनानी है। अब इसमें भी आप देखें तो जैसे कि यहाँ ये जो फोटो है, यहाँ ये कैनवा लिखा है, यहाँ कैनवा लिखा है, तो मतलब ये जो अमुक में ही ऐसा आता है कि जिसमें ये वाटर मार्क है, मतलब कि ये जो है पेड़ है ये, तो आपको अगर ये फोटो नहीं रखना है तो आप जस्ट डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह अपना फोटो रख सकते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ ये फोटो है, पर ये मुझे ये जो राउंड है उसमें ये फोटो है, मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि ये फोटो जो है अगर आप लेंगे तो इसमें कैनवा लिखा हुआ आएगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं अगर इसको क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा तो ये चला गया। जैसे कि ये भी जो है वो एक फ्रेम ही है, ये भी एक फ्रेम ही है, फ्रेम के अंदर आप अपना फोटो भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं वो बताता हूँ कि फोटो कैसे रखते हैं। जैसे कि इसके अंदर मुझे एक फोटो रखना है, तो आप जैसे कि यहाँ अपलोड है, अपलोड पे आप क्लिक करें और यहाँ जैसे कि मैंने जो फोटो मैंने यहाँ इंपोर्ट करके मैं लाया हूँ वो है, आपको कोई नया फोटो लेना है तो जैसे कि यहाँ हमको एक फोटो ले लेते हैं, जैसे कि मेरा एक फोटो है ही, मैं वो ले लेता हूँ। यहाँ मैं एक फोटो लाना चाहता हूँ, तो आप जस्ट एक मेरा जो फोटो है वो यहाँ ही है, जैसे कि ये फोटो है, ये एक फोटो है मुझे लाना है, या जैसे कि ये एक फोटो है मुझे लाना है, तो जैसे कि मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा कंट्रोल सी करके कैनवा में आ जाए और यहाँ आके जस्ट कंट्रोल वी पेस्ट करें, कंट्रोल वी। जैसे कि यहाँ एक जस्ट कंट्रोल वी से यहाँ नहीं आता है,
तो आप यहाँ यह जैसे कि अपलोड है, वहां अपलोड एन इमेज और वीडियो लिखा है, आप यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी आ जाता है, जैसे कि अभी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से बता देता हूँ, यहाँ ये लिखा है अपलोड एन इमेज और वीडियो, आप उस पर क्लिक करें और जो भी आपको लाना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। जैसे कि मुझे एक ये फोटो है, मुझे यही चाहिए, मैं ये ला देता हूँ। तो यहाँ पहले तो यहाँ ये अपलोड होगा, यहाँ आप देख रहे हो ये फोटो अपलोड हो रहा है, फोटो को अपलोड हो जाने दो, ये फोटो अपलोड हो गया है, ये आपके अकाउंट में फोटो आ गया है, और ये फोटो यहाँ लाना है तो आप जस्ट यूं क्लिक करो उस पर, तो ये फोटो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये जो है ये एक फ्रेम ही है, फ्रेम मतलब जैसे कि ये मैं डिलीट कर देता हूँ, नया फ्रेम लाना हो तो मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए ये एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट में भी बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि ये फ्रेम आप देख रहे हैं, जैसे कि मुझे ये एक फ्रेम है, ये वाला फ्रेम, ये मुझे लाना है। फ्रेम मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम एक मास्क बना के, मतलब फोटो राउंड फ्रेम है तो फोटो आपका जो फ्रेम है शेप, वो शेप में ही फोटो सेट हो जाएगा, उसको फ्रेम कहते हैं, बराबर। ये जैसे कि शेप है, शेप में ऐसा नहीं है, पर फ्रेम में आप जो फोटो अंदर डालना चाहो वो उस शेप में आ जाएगा। जैसे कि ये फ्रेम मैं लेता हूँ, क्लिक करें, ये फ्रेम आ गया, जैसे कि मुझे यहाँ रखना है, आपको यहाँ जैसे कॉर्नर से छोटा बड़ा जो करना हो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ, ठीक है। अब जैसे कि ये जो फोटो है मुझे ये फ्रेम में रखना है, तो जैसे कि उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ ले जाइए, जो फ्रेम थी जो है उसमें फोटो आ गया, आप देख रहे हैं। आप जैसे कि डबल क्लिक करके ये जो है उसको आप छोटा बड़ा वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे बार फिर क्लिक करें, डबल क्लिक करें और वो जो इमेज है उसको जो भी छोटा बड़ा करना चाहो कर सकते हो, तो ऐसे। फिर जैसे कि इसमें ये जो ये इमेज है, तो इमेज के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि इसमें जैसे कि यहां ये पोजीशन है, पोजीशन मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब कि ये जो फोटो है वो मुझे पीछे ले जाना है, तो यहाँ पोजीशन में आप बैकवर्ड करोगे तो ये फोटो पीछे चला जाएगा। ये जो दूसरा लेयर है अलग अलग तरह के, ये सबसे ऊपर लेयर है, उसके नीचे ये लेयर है, उसके नीचे ये लेयर है, तो यहाँ पोजीशन फॉरवर्ड तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि यहां भी जैसे कि ये है, आप जैसे कि ये फोटो को निकाल के दूसरा लाना चाहते हैं, डिलीट करो, जैसे कि ये वही वो फ्रेम आ गई, ठीक है, और दूसरा फोटो लाओ। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ ये जो अपलोड है, अपलोड पे क्लिक करें, अपलोड एन इमेज करके लाए, अपलोड एन इमेज, और जो भी फोटो लाना चाहे ला दो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर उसको क्लिक करो उसके ऊपर, या तो फिर पकड़ के ड्रैग करो, यहाँ ड्रैग करो तो आ जाएगा, या क्लिक करो तो भी आ जाएगा, ओके। जैसे कि मैं ये फ्रेम भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने निकाल दिया। जैसे कि यहाँ मुझे यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ बीच में कुछ लिखना है, तो यहाँ जैसे कि टैक्स है, ये टैक्स पे क्लिक करो। इसमें भी अलग अलग है, जैसे कि बड़ा हेडिंग या थोड़ा सब हेडिंग, छोटा टैक्स, ये जैसे कि तीन अलग अलग तरह के हैं। मैं जैसे कि चलो एड हेडिंग ले लेता हूँ, तो आ गया, ठीक है। ये अब जैसे कि एड हेडिंग लिखा है पर मुझे कुछ और लिखना है, तो जैसे कि आप सिलेक्ट करो और उसकी जगह आपको क्या लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है डिजिटल कमलेश, मुझे डिजिटल कमलेश लिखना है, आ गया। जैसे कि यहाँ ये जो कॉर्नर है वहां से पकड़ के आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर जैसे कि यही जो टैक्स है, ये टैक्स, उसको इसके जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं टैक्स की। तो यहां ऊपर आप देखेंगे तो यहां जैसे कि ये फॉन्ट साइज वगैरह है, आपको जैसे कि ये फॉन्ट है, यहां अलग अलग फॉन्ट है, आपको कोई फॉन्ट ये चाहिए, ये जैसे कि, या बहुत सारे फॉन्ट है,
इसमें जैसे कि ऐसा जो आता है तो ये पेड है, ये तो इसमें पेड वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी अराउंड मंथली $10 समथिंग कुछ है। तो उसमें आप ये फॉन्ट वगैरह, फिर ये जो मैंने आपको बताया था ये वाटरमार्क वाला इमेज, वो सब आप पेड में ले सकते हो, पर पेड की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि यहां से फॉन्ट मुझे ये लेना है, तो देखिए ये फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट आ गया। इसको आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ जैसे कि ये साइज भी है 80 साइज, तो ये आ गया। आप सिलेक्ट करो, मूव करो, बीच में से पकड़ के यू क्लिक सिलेक्ट करो तो मूव होगा, ये जैसे कि 80 साइज। यहाँ जैसे कि कलर है, क्लिक करो, आपको कोई कलर चाहिए, रेड कलर, ये रेड कलर आ गया। आपको जैसे कि ये जो कमलेश है, ये आप डबल क्लिक करो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, या यूं जैसे कि सिर्फ कमलेश सिलेक्ट करो, मुझे इसका कलर ये रखना है, तो ये आ गया। टेक्स्ट ब्लॉक मतलब एक ही है, पर मैंने ये जो कमलेश है उसको सिलेक्ट करके कलर में जाके दूसरा कलर ले लिया, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें आगे, जैसे कि ये जो फॉन्ट ऐसा है कि उसमें बोल्ड नहीं है, वरना आप बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो। टेक्स्ट है जैसे कि टेक्स्ट, यहां जैसे कि लेफ्ट, ये ऑटोमेटिकली लेगा, राइट क्लिक, उस पर क्लिक ही करना है, उसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे कि ये लिस्ट है, मतलब कि बुलेट आप दोगे तो यहाँ बुलेट आ जाएगा, ऐसे पैराग्राफ में करते हैं, ये तो एक जस्ट हेडिंग है, पर क्लिक करोगे तो बुलेट नंबरिंग वगैरह आ जाएगी। यहाँ जैसे कि लेटर लाइन हाइट, लेटर मतलब कि ये जो टेक्स्ट है उसके बीच में आपको कोई स्पेसिंग बढ़ाना है तो स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है, एकदम इकट्ठा टाइट टेक्स्ट हो तो आप ऐसा कर सकते हो, प्लस माइनस। लाइन हाइट है यहाँ से, जैसे कि आप लाइन की हाइट कटा बढ़ा सकते हो, ये जैसे अलाइनमेंट ही है। तो जैसे कि और उसमें कुछ है, या ये हमने देखा इफेक्ट, इसमें भी आप इफेक्ट है, आप जैसे कि इसमें ये आप इफेक्ट लो तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, आप ये लो तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, यहां मैं बताता हूं थोड़ा अलग से, ये लो तो ऐसा आ जाएगा, ये लो तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी इफेक्ट भी आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ जैसे कि अंडरलाइन है, यहाँ अपर केस वगैरह लाए, जो लोअर केस अपर केस है वो आ जाएगा, ऐसे क्लिक करना है, ये स्टाइल की कॉपी करना है, ये तो ये जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ये जो हमने सिलेक्ट किया है वो लाइट हो जाएगा, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट की जरूरत कहाँ है कि जब कोई बैकग्राउंड पीछे हो और उसको ट्रांसपेरेंट करना हो तो उसके लिए। फिर जैसे कि उसको लिंक करना है, लिंक भी एक हाइपरलिंक वगैरह है कि उसको क्लिक करके आप कोई दूसरे यूआरएल पे भेज सकते हो, या जैसे कि लॉक है वगैरह, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जैसे कि हमने एक टैक्स देखा कि ये टैक्स है। यहाँ जैसे कि अलग अलग फोटो वगैरह भी है, यहाँ फोटो आप कुछ फोटो वगैरह भी ला सकते हो, यहां से कोई भी फोटो वगैरह भी ला सकते हो। मैं उसके लिए चलो आपको एक नई फाइल हम बनाते हैं, जैसे कि ये है, मैं वापस यहां आ जाता हूं कैनवा में ही, जैसे कि यहां होम है, मैं होम पे ही आ जाता हूं, होम पे आ गया। मुझे जैसे कि कोई अलग ही डिजाइन अपनी तरह से क्रिएट करनी है, कस्टम डिजाइन, तो यहां कस्टम डायमेंशन है, यहां ये जो हमने देखे ये टेम्पलेट था, रेडीमेड टेम्पलेट, और भी रेडीमेड टेम्पलेट है, आपको सिर्फ क्लिक करके सिर्फ फोटो बदलना है। जैसे कि टैक्स, यहाँ जैसे कि ये टैक्स है, ये टैक्स, टैक्स में जैसे कि ये है, इसकी जगह जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, या जो भी ये बीच है, जैसे कि हमको यहाँ लिखना है कि एट गोवा बीच, तो ऐसे आ गया। उसको बड़ा करना है तो यहाँ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सब फॉन्ट वगैरह सब यहाँ है, यहाँ बड़ा हो जाएगा,
कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो जाएगा वगैरह सब हो सकता है। जैसे कि एक नई डिजाइन लेते हैं, कस्टम, यहाँ कस्टम डायमेंशन है, उस पर आप क्लिक करें। साइज में ले लेता हूँ 500x500 पिक्सल ले लेता हूँ, क्रिएट न्यू डिजाइन दे देता हूँ, तो तुरंत ही नया डिजाइन नए अलग टैब से तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये आ गया। जैसे कि अमुक डिजाइन यहां भी आ जाती है, आपको यहां से भी कुछ लेना हो तो ले सकते हो। यहां जैसे कि आपको जो क्रिएट करना है उसमें जैसे कि ये ऐसा कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। जैसे कि ये लेना है, आप यूं क्लिक करोगे तो वो यहां आ भी जाएगा। आगे ऐसे आप फिर इस पर क्लिक करके नाम अपना चेंज कर दो। यहाँ जैसे कि डबल डबल है, जैसे कि ये और नीचे ये दोनों ग्रुप है, यहाँ जैसे कि ये अनग्रुप लिखा है, दो इमेज या फॉन्ट वगैरह जो भी है उसको ग्रुप किया हो तो यहाँ जैसे कि अनग्रुप से अनग्रुप कर सकते हैं, ये अनग्रुप, तो ये दोनों अलग हो गया। अब इसको हम अलग भी कर सकते हैं, वो क्या है कि ज्वाइन था ऐसा है। जैसे कि मुझे ये नहीं लेना है, यहाँ जैसे कि अंडू भी आता है, ये रहा ये अंडू, ये मैं अंडू दूंगा, वापस अंडू, वापस अंडू, वापस अंडू, जो लिया था ये डिजाइन वो डिजाइन ही चला गया, अंडू किया, अंडू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि मैं कुछ नई तरह से बताता हूँ कि यहाँ बैकग्राउंड है, ये रहा बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड लो, आपको कुछ फोटो ऐसा बनाना है जिसमें कुछ बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड लो। जैसे कोई बैकग्राउंड, मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ से देख लो आपको जो पसंद है वो बैकग्राउंड ले लो। जैसे कि एक बैकग्राउंड लेते हैं, ये बैकग्राउंड लेते हैं, ये बैकग्राउंड आ गया, ये बैकग्राउंड है। अब ये बैकग्राउंड एकदम डार्क है, जैसे कि यहां मैंने अभी पहले बताया ट्रांसपेरेंसी यहां है, अब इस पर क्लिक करो, ट्रांसपेरेंसी कम कर दो तो ये लाइट हो जाएगा, है वही, देखिए प्लस माइनस में करता हूं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ये ले लिया, बैकग्राउंड है ये। इसमें भी सब ये क्रॉप वगैरह ऑप्शन आता है, फ्लिप वगैरह भी आता है, फ्लिप मतलब कि लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट वगैरह हो जाएगा, पर इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं करने जैसा। इफेक्ट भी इसमें भी है, आप क्लिक करके देखना, सब वेरियस इफेक्ट वगैरह है। जैसे कि इसमें मुझे यहाँ से कुछ देखते हैं कि यहाँ से ये एलिमेंट, मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड लिया, इसमें ये एलिमेंट है, एलिमेंट में से कुछ लाना है। जैसे कि आपको सोशल मीडिया या उसमें जो भी सब अलग अलग कार्टून जैसे वगैरह, जैसे कि लाइक फेसबुक का लोगो वगैरह ऐसा कुछ लाना हो तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है। यहाँ नीचे आप जाओगे तो जैसे कि यहाँ ये मैं यहाँ से कुछ लाता हूँ, ये स्टिकर है, ये स्टिकर मुझे कुछ यहाँ से ये स्टिकर लाना है, ये स्टिकर लाना है, यहाँ क्लिक करो इसके ऊपर तो ये स्टिकर आ गया। इसमें जहाँ पेड होगा तो वो आप नहीं ले सकते, पर यहाँ फ्री है, वो सब फ्री लिखा ही होगा, देखो यहाँ फ्री लिखा है, ये फ्री लिखा है, फ्री लिखा है, ज्यादातर फ्री होते ही है तो फ्री लो। जैसे कि ये आ गया, डिलीट करो, नहीं चाहिए, कोई और लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये फीचर्स में क्या है, यहाँ से कुछ लाना है, कुछ मैं कुछ और बताता हूँ, नीचे आप चाहिए यहाँ जैसे कि रोजिस है वगैरह, जैसे कि मुझे ऐसा है गुलाब जैसा ये चाहिए तो आप क्लिक करो, ये आ गया, आपको ऐसा ही गुलाब रखना है, उसको छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो, छोटा बड़ा कॉर्नर से पकड़ के ऐसे, ठीक है। यहाँ जैसे कि बहुत सारा बहुत कुछ है, यहाँ आप देख लेना, बहुत कुछ है, आपको जो लाना हो ला सकते हो, डॉग, फिश, मछली, बहुत कुछ है, देखिए बहुत कुछ है, ये लाना है, आप क्लिक करो वो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। आपको कोई शेप चाहिए या लाइन चाहिए, ये लाइन है, आपको कोई लाइन रखनी है, लाइन में भी यहाँ बहुत सारी अंदर होती है, आप ज़्यादा ज़्यादा अंदर करो तो ज़्यादा भी लाइन आएगी। जैसे कि आपको ये चाहिए और भी जाओ, ये चाहिए, आप क्लिक करो तो ये आ जाएगा। सिंपल आपको लाइन चाहिए तो सिंपल भी है, आगे थी, जैसे कि ये क्लिक करो, ये आ गई। कलर जैसे कि यहाँ ये कलर है, कलर में थोड़ा ये ले लेता हूँ, बराबर लाइन ही है, ये भी इसमें कलर ऐसा था, आप
कलर ले लो, मुझे ये चाहिए, तो ये आइए। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ शेप आपको लाना है, ये बहुत सारे शेप है, जो भी आपको शेप लाना हो यहाँ, जैसे कि एरो है, आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे जो भी शेप है वो सब यहाँ आ जाएंगे। आपको जैसे कि ये लेना है, आप क्लिक करो, ये आ गया। ठीक है, इसका कलर भी चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ सिलेक्ट करो, डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ जैसे कि मैं एक फ्रेम रखना चाहता हूँ, जैसे कि ये शेप है, यहाँ मैं यूँ क्लोज करूँ शेप चला जाएगा, पर मैं हूँ अभी एलिमेंट में ही, मुझे यहाँ ऐसी फ्रेम लानी है। मैंने अभी एक फ्रेम तो आपको बता दिया, ये फ्रेम है, ये क्लिक करो, एक फ्रेम है ये, और उसके अंदर कोई फोटो रखना है तो आप फोटो लाओ, जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो बताया था। आप यहाँ अपलोड से अपना लाना हो तो अपलोड से करो, अपना जो कंप्यूटर में फोटो है, मोबाइल में और कंप्यूटर में, वो अपलोड करना हो तो यहाँ है, या जैसे कि यहाँ फोटोज भी है, इसके अंदर रेडीमेड दूसरे फोटोज भी है कैनवा के अंदर, तो वो भी आप ला सकते हो यहाँ से। जैसे कि अगर आपको ये फोटो चाहिए, आप क्लिक करो, ये फोटो आ गया, ये एक फोटो है रेडीमेड। ठीक है, और ये मैंने बताया कि ये एक शेप है, फ्रेम है, तो फ्रेम के अंदर हम ये फोटो वगैरह सेट कर सकते हैं उसी शेप के अंदर, तो यूं आप उसके साथ यहाँ ले जाओ तो अंदर आ जाएगा। देखा आपने, इसको छोटा बड़ा करते हैं। यहाँ आपको कुछ लिखना है तो आप कुछ लिख सकते हो, जैसे कि कुछ लिख देते हैं, टेक्स्ट में हेडिंग, टेक्स्ट में भी यहाँ है, यहाँ से कुछ ले लेते हैं, चलो यहाँ से ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, ये आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ये आ गया। इसको आप कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ जैसे कि ये फ्री डिलीवरी लिखा है, लेकिन आप अपना लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ फ्री, फ्री पे क्लिक करो, यहाँ जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो यहाँ मेरा नाम आ जाएगा, कमलेश, डिलीवरी है सिलेक्ट करो, उसकी जगह मैं निगम लिख देता हूँ, कमलेश है उस पर आप सिलेक्ट करो, और यहाँ कलर, आपको ये कलर नहीं चाहिए, आपको ये कलर चाहिए तो आप ये ले लो, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको डिलीट कर दो, ये कुछ और लिखना है, यहां से कुछ और लिखना है, ऐसे कि मैं ये ले लेता हूं, कुछ ले लेते हैं डिजाइन कोई भी, ये डिजाइन, ये डिजाइन आ गई, और उसमें भी आपको आपको लिखना है डिजिटल, और नीचे आपको लिखना है मार्केटर, आ गया। साइज वगैरह यहाँ है, आपको अगर छोटा करना हो छोटा कर दो, ऐसे इसकी फॉन्ट ही ऐसे है, वैसे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये फॉन्ट ले लिया तो ये आ गया, ये फॉन्ट आ गया। यहाँ जैसे कि यहाँ डिजिटल ये एम मार्केटर नीचे लाना है, तो कर्सर यहाँ एम के आगे रखिए और एंटर दे दीजिए, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, फिर सेलेक्ट करके, जैसे कि यहाँ कुछ डिजिटल मार्केटर के बीच में गैप नहीं है, तो यहाँ ये जो ऑप्शन है लाइन हाइट है, वो आप लाइन हाइट से ये बढ़ा दीजिए ऐसे, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे
फॉन्ट आपको थोड़ा छोटा करना है, थोड़ा छोटा कर दे ऐसे। ओके, तो ऐसे हम डिजाइन कैनवा में बना सकते हैं। अब जैसे कि यहां ये जो एक डिजाइन मैंने बनाया, अब दूसरा ये एक डिजाइन है पर ये एक फाइल है, यहां देखिए ये फाइल लिखा है, ये फाइल जैसे कि यहां बता रहा है फाइल ऑटोमेटिक इसमें सेव हो जाती है, फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, हमको सेव नहीं करना, वो कैनवा का जो प्लेटफॉर्म है उस पर ही सेव हो जाती है। आपको अगर यही जो फाइल है उसमें नया एक पेज बनाना है तो यहां देखिए एड न्यू पेज, आप क्लिक करें तो एक नया पेज आ जाएगा। देखिए पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये, जैसे कि नीचे बैकग्राउंड आ रहा है मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कर दे, ठीक है। आपको कोई दूसरा भी बनाना हो तो आप यहां बना सकते हो, आपको कोई लोगो बनाना हो, जो भी बनाना हो तो आप बना सकते हो। ओके, जैसे कि मुझे यहाँ कुछ मैं यही ला लेता हूँ, चलो जैसे कि ये है, ये मैं कंट्रोल सी करके यहाँ आके कंट्रोल वी करता हूँ, ये आ गया। अब जैसे कि चलो मैं यहाँ कुछ बताता हूँ, एक ये जो कलर है वो कलर जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो कलर तो आ ही जाता है, चलो ये कलर बहुत सारे आ जाते हैं, पर जैसे कि मुझे कुछ और कलर चाहिए तो जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ एक कलर हंट करके एक वेबसाइट है, colorhunt.co, colorhunt.co, इसमें जाएंगे तो रेडीमेड टेम पैलेट है, ये सब कलर पैलेट है, ये बहुत सारे कलर पैलेट है, आपको ये कलर पसंद है उस पर क्लिक करो, ये कलर जो है ना उसका कोड है, ये कोई भी कलर है उसका कोड होता है कलर का, ये जो लिखा है ना FFE, ये कलर कोड है, ये 848CCF, ये कलर कोड है। आपको जैसे कि यहाँ कोई कलर पसंद है, आप यहाँ देखते हो कि ये कलर, या कोई भी कलर ले लेते हैं कि ये कलर है, आपको ये कलर पसंद है क्योंकि ये कलर आपको यहां रखना है, तो कलर पैलेट में जैसे कि ये कलर, उस पर ये जो कोड है उस पर आप जस्ट क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए, जस्ट मैं बैक हो जाता हूं, ये जस्ट खाली यहां कोड है उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो कॉपी लिखा आ जाए, कॉपी हो गया। अब वहां जाइए और जैसे कि ये जो फॉन्ट है और यहां आपका वो कोड है तो यहाँ ये जो न्यू कलर है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ नीचे ये जो कलर अभी चल रहा है उसका कोड है, उसकी जगह वो वाला कोड कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। आ गया, ये जो था कलर हंट में ये वाला यहाँ आ गया। आपको कलर हंट में ये नहीं बोले मुझे कुछ ये कलर ज्यादा पसंद है या मुझे कोई दूसरा कलर पसंद है, तो आप जस्ट ये जो कलर हंट, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट वगैरह भी है कि आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ कोड के साथ आ जाता है, जैसे कि ये है, आप क्लिक करें और यहाँ जाइए न्यू कलर और वहां कंट्रोल वी कर दीजिए तो वो आ जाएगा, वो वाला जो कलर है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर रख सकते हो। फिर जैसे कि इसमें फोटो हमने देख लिया, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट में जाओगे तो यहाँ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि एड न्यू पेज, यहाँ भी रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं, ये टेम्पलेट में ऊपर, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट ला सकते हो, आपको जैसे कि कौन सा टेम्पलेट पसंद है, ये वाला पसंद है, आप क्लिक करो, यहाँ देखना फ्री होना चाहिए, वैसे फ्री होते ही है बहुत सारे, तो आप जैसे कि ये लाना है क्लिक करो तो वो जो डिजाइन है वो डिजाइन पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। सॉरी, इसमें कैनवा लिखा आता है तो ये इमेज जो है वो इमेज पेड है, तो जैसे कि इसमें क्या है कि रिमूव वाटरमार्क मत करना, वो तो पेड में चला जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डिलीट करो और उसकी जगह कोई दूसरा ला दो, जैसे कोई फ्री वाला हो वो हम ले लेते हैं, इसको मैं अंडू कर देता हूँ, कोई फ्री वाला देख लेते हैं, शायद इसमें कोई फ्री है, कौन सा है ये देख लेते हैं, ये आ गया, जैसे कि इसमें ये डिजाइन है, यहाँ लिखा है आपको जो भी बदलना हो, ये लिखा है टू माय डियर फ्रेंड हैप्पी टू मीट यू, आपको दूसरा भी चेंज करना हो तो चेंज करो, आपको जो भी कुछ टैक्स बड़ा छोटा करना हो वो भी कर सकते हो, ये थोड़ा बड़ा हो गया, समझे, ऐसे। तो ऐसे हम
कैनवा में ब्यूटीफुल प्रोफेशनली डिजाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि फोल्डर, बैकग्राउंड, वीडियो मैंने लगभग सब बता दिया है। अब लास्ट में जैसे कि ये जो इमेज आपका तैयार हो गया और उसको अब हमें फाइल इमेज बना तैयार बना डाउनलोड कर देना है, तो जैसे कि यहाँ डाउनलोड ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड पे क्लिक करो या साइड में क्लिक करोगे तो भी यहाँ दूसरे ऑप्शन भी आता है। आप इसको डायरेक्ट लिंक शेयर कर सकते हो, डायरेक्ट फेसबुक आपका पेज है उस पर आप डायरेक्ट ही पोस्ट कर सकते हो, ट्विटर पे डायरेक्ट कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो ये, ठीक है। आप जैसे कि डाउनलोड करो, मुझे ये वाला जो है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें एक 3 पेज है, मुझे पहला वाला ही चाहिए, ये पहला वाला चाहिए, तो यहाँ डाउनलोड, ये डाउनलोड। उसमें जैसे कि फाइल टाइप पूछेगा, पीएनजी फाइल चाहिए, जेपीजी चाहिए, पीडीएफ वगैरह बहुत सारा है, आप पीएनजी लीजिए या तो जेपीजी लीजिए। पीएनजी हाईली रिकमेंडेड, यहाँ लिखा भी होगा हाई रिकमेंडेड है। पीएनजी में जो इमेज है वो एकदम सुपर क्लियर क्वालिटी आ जाती है, पर जैसे कि फाइल की साइज जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि पर फेसबुक वगैरह के लिए, सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो आप पीएनजी लीजिए, अदरवाइज जैसे कि वेबसाइट वगैरह में लेना हो पर जैसे कि साइज बहुत बढ़ जाती हो तो पीएनजी की जगह आप जेपीजी ले सकते हो। फाइल टाइप है, ये इमेज जो है टाइप है, आप देख लेना कुछ भी, पर पीएनजी भी ले सकते हैं, जेपीजी भी ले सकते हैं, एकदम क्लियर चाहिए तो पीएनजी लो और सोशल मीडिया के लिए पीएनजी ही लो। तो आप जैसे कि पीएनजी ले लो, उसमें जैसे कि यहाँ ये सिलेक्ट पेजेस लिखा है, तो जैसे कि ऑल पेजेस लोगे और डाउनलोड तो तीनों 3 पेज हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करके, मुझे यहाँ 3 पेज है इसके लिए बता रहा है कि कौन सा पेज चाहिए, मैं यहाँ पेज 1 पे क्लिक कर देता हूँ, उस पर डन नीचे आता है, डन पे क्लिक करें और अब डाउनलोड, देखा यहाँ पेज 1 ही लिया, और डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे पूछेगा आप ट्राई इट फॉर 30 डे वगैरह वगैरह, पर इसको आप क्लोज कर दीजिए जो भी पूछे ऐसे। और जो इमेज डाउनलोड हुई है वो यहाँ है, ये रहा, यहाँ आप क्लिक कीजिए, शो इन फोल्डर डायरेक्ट ओपन कर सकते हो या शो इन फोल्डर करेंगे तो ये जहां भी सेव है वहां वो ओपन हो जाएगी। ये है, इसको जैसे कि मैं कट कर देता हूं, यहां से कट करके और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, Ctrl+V, ये आ गया, और उसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये इमेज ऐसा क्रिएट हुआ है, वो यहां आ जाएगा, ये इमेज है, ठीक है। फिर आपको ये इमेज जैसे कि फेसबुक का चलो पोस्ट है और आपको फेसबुक में रखना है, तो आप जैसे कि फिर वो आपको मालूम ही है कि आप फेसबुक खोलो और आपको सब मालूम ही है कि फेसबुक में जो पोस्ट है वहां क्लिक करके वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैनवा के अंदर हम प्रोफेशनली और ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर जैसे कि कैनवा आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, मोबाइल में अगर आपको यूज करना हो तो जैसे कि मोबाइल में ये एक एप्लीकेशन है, कैनवा ग्राफिक डिजाइन वीडियो कॉलेज लोगो मेकर, ये तो आप एंड्रॉइड जैसे कि है ये, तो उसमें आप इंस्टॉल करके ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर दो और फिर यूज करो। तो इस तरह से आप ये जो इमेजेस है, ग्राफिक डिजाइन है, वो कैनवा से बनाना स्टार्ट करो, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, यहाँ से इमेजेस आप क्रिएट करो, ये फ्री है और ब्यूटीफुल प्रोफेशनली आप ग्राफिक डिजाइन इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे जो फ्री टूल्स है, फिर जैसे कि अलग अलग दूसरे प्लेटफॉर्म है, फिर फेसबुक मार्केटिंग है, उसके रिलेटेड मेक मनी ऑनलाइन है, ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन है, उसके रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैं यहाँ अपलोड करूँगा। तो देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।